नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अमेरिका ने 48 घंटे के अंदर आधी रात को 170 लोगों की मौत का बदला ले लिया। उसने बता दिया कि उसके 13 अमेरिकी सैनिकों की जान की कीमत इस्लामिक स्टेट यानी आईएस को चुकानी होगी। रात में ही काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के प्लानर के ऊपर बम बरसाए, उसे उसी के ठिकाने पर नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने अपने दुश्मन को खोज कर मार डाला? पहले जान लेते हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने क्या कहा। यूएस सेंट्रल कमांड के स्पोक्सपर्सन कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि अमेरिका सेना ने अफगानिस्तान के नंगार प्रांत में इस्लामिक स्टेट के एक मेंबर पर ड्रोन हमला किया। ये जगह पाकिस्तान की सीमा से लगती है। उन्होंने कहा है कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई, कोई भी नागरिक घायल नहीं हुआ है। दो डिफेंस अधिकारियों ने एनसीबी न्यूज को बताया कि टारगेट आईएसआई के का फाइटर था, वह भविष्य में भी कई हमले की योजना बना रहा था। उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक के वक्त हमारा टारगेट एक गाड़ी चला रहा था, उसे MU-9 रीपर ड्रोन से सटीक निशाना लगाकर मार गिराए। मिडिल स्टेट से उड़ने वाले ड्रोन ने काबुल ब्लास्ट के प्लानर को मार गिराया। वह उस वक्त अपने एक सहयोगी के साथ कार में था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों मारे गए हैं। डेली मेल के रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां ड्रोन से टारगेट साधा गया, वहां के एक स्थानीय निवासी ने कहा, शुक्रवार आधी रात के आसपास कई विस्फोटक की आवाज आई। बाद में पता चला कि वह हवाई हमला था। तालिबान के एक सीनियर कमांडर ने कहा कि काबुल हमले के बाद आईएसआई के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी खुफिया टीम उनसे पूछताछ कर रही है। इससे पहले शुक्रवार शाम को अमेरिका ने एक बार फिर अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट के आसपास से दूर जाने की चेतावनी दी थी। दरअसल काबुल ब्लास्ट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताते हुए साफ कर दिया था कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है, वो ऐसे चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा शिकार करेंगे, तुम्हें भुगतना होगा। आपको बता दें, अफगानिस्तान में 20 साल के युद्ध में 2400 अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर हुआ ब्लास्ट 2011 के बाद सबसे घातक हमला था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन सकी ने कहा कि आने वाले कुछ दिन हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट से दूर रहने के लिए कहा गया था। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।